हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज आईपीओ के बारे में, जो कि यहाँ पे आपके सामने अगले वीक में ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जिसका प्राइस बैंड है 113 रुपये से 118 रुपये। तो कंपनी के बारे में और आईपीओ के बारे में फटाक से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा नीचे लेकर के आ रहा हूँ और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 8 दिसंबर से, यहाँ पे बताना भी चाहूंगा हाईलाइट करके, 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ये आईपीओ ओपन होने वाला है और इसका प्राइस बैंड जैसे मैंने बताया कि 113 से 118 का है। मतलब कि इस आईपीओ में आपको मिनिमम 125 शेयर की बिड लगानी होगी। मैंने प्राइस बैंड आपको ऑलरेडी बता दिया। और यहाँ पे बात करें जो मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होगा 14,750, और मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर 1,91,750 रुपये लगा सकता है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। और फर्दर डिटेल बताऊँ तो यहाँ पे जो कंपनी जो ऑफर लेकर के आया वो 600 करोड़ के आसपास है, उसमें जो फ्रेश इशू है वो 250 करोड़ और बाकी जो 350 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है, जो कि यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर है वो अपना माल बेच रहे हैं, जैसे कि ओमेगा, टीसी साबरे होल्डिंग लिमिटेड, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस, टीपीजी एशिया, SFV प्राइवेट लिमिटेड जैसे दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पे अपना माल बेच रहे हैं। तो ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 350 करोड़ और फ्रेश इश्यू 250 करोड़ ऐसा बताया जा रहा है। और भी आगे बताना चाहूँगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 75% जो है रिजर्वेशन वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के लिए है और बाकी 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए है और रिमेंडिंग 15% यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों के लिए भी रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के 100% हो जाता है। और भी नीचे जाकर के बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कंपनी एम्प्लॉय है उसके लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है 3 करोड़ रुपए के शेयर, जो कि उसको 11 रुपए के फाइनल इश्यू प्राइस पे डिस्काउंट में मिलेंगे। जो प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर यहाँ पे देखें तो एम मुरली है, श्रीराम प्रॉपर्टीज होल्डिंग है एंड श्रीराम ग्रुप एग्जीक्यूटिव वेलफेयर ट्रस्ट, और तीनों मिलाकर के बात करें तो लगभग लगभग मान करके चलिए 32% की होल्डिंग इसमें लेकर के बैठे हैं। और बाकी बात करें जैसे मैंने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ओमेगा, टीसी साबरे होल्डिंग जैसे दिग्गज इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं। नीचे बताऊं तो यहाँ पे ये जो श्रीराम प्रॉपर्टीज एक रियल एस्टेट में काम करती है, जो कि यहाँ पे 2000 से एक काम में है। और यहाँ पे बात करूं कहीं ना कहीं ये बेंगलोर और साउथ साइड यहाँ पे उसका काफी कारोबार है, मतलब कि चेन्नई, कोम्बितूर, विशाखापट्टनम की साइड यहाँ पे वो ज्यादातर उसकी साइटें हैं जिसमें वो काम करते हैं। यहाँ पे बताओ इसके बारे में और, तो उसने 29 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे 35 प्रोजेक्ट उसके पास ऑन गोइंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के पास बढ़िया कारोबार दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 महीने का उसका जो नेट लॉस प्रॉफिट देखे तो 60 करोड़ का यहाँ पे उसने नेट लॉस पोस्ट किया था और रेवेन्यू की बात करें तो 118 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा FY21 की क्वार्टर की, तो उसमें उसने 68 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया था वर्सेस 86, तो लॉस यहाँ पे कम हुआ है, परंतु रेवेन्यू में देखे तो 571 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे 431 का ही रह गया है। तो अभी कंपनी कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग है, तो ये बात को आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बाकी कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें और कंपनी में इन्वेस्टर की बात करें तो वो अपने आप में बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे चॉइस आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं। यहाँ पे मैं तो पर्सनली बात करूँ तो फाइनल डे ही इसमें आईपीओ अप्लाई करने की सोचूंगा कि इसमें सब्सक्रिप्शन का रेशियो कैसा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।